औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल लोधी है। तो काफ़ी अरसे से जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे क्लाइंट हैं, जो पेशेंट हैं, और जो इन अहबाब के मुसलसल ये इसरार था कि डॉक्टर साहब हमें आपकी जो लेक्चर है और जो आपके जो प्रोग्राम है और गज़ाई प्रोग्राम जो आप देते हैं उसके लिए हमें मुसलसल जो है वो प्रॉब्लम की कशिकार रहते हैं हम, तो आप ऐसा करें कि अपना चैनल ज़रूर बनाएं। तो मैं तकरीबन पिछले 8-10 साल से इसको कोशिश कर रहा था कि ना मैं प्रोमिनेंट हूँ और साहिवाल में एक छोटे लेवल पे जो काम मैं कर रहा हूँ उतने ठीक है। मुसलसल क्योंकि दोस्त परेशान हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी रिकॉर्डिंग करके ले जाते हैं तो फिर वो अपने उस पर चलाते हैं तो वो भी अधूरा से काम रहता है। तो बाद जगहों पे मेरे लेक्चर अवेलेबल भी हैं, उन्होंने मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग करके उसमें डाल भी दिया तो वो भी अधूरा से काम है। तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो है अधूरा से जो चल रहा है और बेतुका से जो चल रहा है इसके थ्रू प्रॉपर चैनल लाया जाए, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई चलिए। तो अब इनके भी स्टार्ट पर फिर मैं ये चैनल पर आ गया, तो इंशाल्लाह हम इस पर जारी रखेंगे। बस इतना तारुफ हुआ तो मैं आपको कि मेरी PhD न्यूट्रिशन में है और मेरी एक स्पेशलिटी यह है कि मैं यूरोलॉजी जो है आयरस यूरोलॉजी से मैं डायग्नोज करता हूँ। इससे मैं ये डायग्नोज करता हूँ कि आपके लिए कौन कौन सी गजाएँ सूट करती हैं और कौन सी नहीं सूट करती। जैसे मैं इस आँख के एंजाइम से देखता हूँ कि आपके लैक्टेज एंजाइम है या नहीं, दूध डाइजेस्ट करने वाले, आँख से डायग्नोज कर लेता हूँ आयरस से कि आपके है या नहीं है। तो इसकी स्पेशलिटी के लिए पाकिस्तान में मैं ही हूँ, तो मेरे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आके उनका मैं डायग्नोज करता हूँ आपके दूध ठीक है कि नहीं, आँख से डायग्नोज कर लेता हूँ आयरस से। इसी तरह गोश हजम करने वाले जो एंजाइम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी मैं इससे देख लेता हूँ कि आपके गोश हजम करने वाले एंजाइम है या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के गोश हजम करने वाले एंजाइम नहीं है होते, तो उनके उनके लिए फिर गोश बंद कर देते हैं और कई और चीज़ चलाते हैं। इसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होते हैं तो फिर उनके केला और आम भी बंद करना पड़ता है, और बाद लोगों के गोश्त हजम करने वाले एंजाइम ज़्यादा होते हैं तो फिर हम केला और आम भी खिलाते हैं वो खाओ डायबिटिक पेशेंट हो। तो इसी तरह फिर ये जो यूरोलॉजी है इसकी वजह से फिर मेरे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं तो मैं डायग्नोज करता हूँ कि कौन सी गजाएँ आपको सूट करती हैं कौन सी नहीं। फिर जैसे ही वो उस चैनल पर आते हैं गजाई चेंज उनकी आती है, फिर उसमें हम प्रोटीन को एक्टिव करते हैं 70% से 80% तक प्रोटीन को लाया जाए बॉडी में, और फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए कितना अपने वजन के साथ एक जरूर मिला के। फिर हम इंशाल्लाह आगे बताते रहेंगे आपको प्रोटीन कम से कम 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है और कार्बोहाइड्रेट में फिर, लेकिन मैं प्रोटीन को फोकस करता हूँ जिससे शुगर लेवल और बाकी सारी बीमारी कवर हो जाती है। तो इस पर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे, आज तो बजरा तौफीक प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह इस पर हम लेक्चर कम्प्लीट करते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, और इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिएगा कि हम आपको अपलोड करते रहेंगे। आखिर में मैं आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि सब्सक्राइब की मुझे मेरा मकसद नहीं था, अगर ये होता तो मैं 8-10 साल से अपनी YouTube चैनल बना लेता। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको अवेयरनेस हो और आप अद्वियात से बच सकें, अपनी अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। और मैं नहीं समझता हूँ सब्सक्राइब के लिए कहा जाए, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे। फिर मानो अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।